नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट के महोबा टाउन में हैं। आज दिन की शुरुआत हम आला चौक विजिट करके कर रहे हैं। पीछे आप हाथी का स्टैचू देख रहे हैं, उसके ऊपर जो वीर बैठे हैं उनका नाम है आला। जब हम ओरछा पन्ना खजुराहो में सफ़र कर रहे थे, आज से 4 महीने पुरानी ये बात है, उस समय हमने आला उदल के वीरता के बारे में लाइट एंड साउंड शो में सुना था और कुछ लोकल लोगों से जाना था। तब हमें सबने बताया कि जब आप महोबा जाएंगे तो इनके बारे में और डिटेल में आप जानेगा, आपको उत्सुकता होगी और ज़्यादा डिटेल में जानने की। जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ, ये जगह लगभग चित्रकूट से 125 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आला उदल दोनों भाई थे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई लड़ी, जिसके अंदर इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर को हरा दिया। बुंदेलखंड के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं जागनिक, जिनका नाम था, उन्होंने आलाकंड में आला के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और उनमें से कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहां का पानी, आग यहां के पानी में। चलिए, नाश्ता करने के लिए नज़दीक में ही एक जगह है जहाँ पर हम जलेबी कचौड़ी या कुछ और कॉम्बिनेशन में चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ता करने के लिए हम ना पान मंडी के पास इस समय आए हैं। ये गाड़ी हमारी खड़ी हुई है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। ये आपको जो पीछे की जगह दिख रही है ना, अगर हम सुबह 6 से 7 या 8 बजे के बीच में आ जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं जो पान का व्यापार करते हैं। और यहाँ से पान इंडिया में तो जगह जगह जाता ही है, साथ साथ पान एक्सपोर्ट भी होता है आउट ऑफ इंडिया। यहाँ पर पास में ही हरी जी करके एक पर्सन है, उनकी पुरानी स्वीट्स की दुकान है। सुबह के समय भजिया और जलेबी मिलती है वहाँ पर। पहले मुझको लग रहा था कचौड़ी जलेबी, बाद में मालूम चला भजिया यहाँ की फेमस है। आइए, हरी जी की दुकान से हमने अपने लिए भजिया और जलेबी लिया नाश्ते में। तो ये जो भजिया हम खा रहे हैं नाश्ते में, तो बेसिकली ये प्याज पालक और बेसन मिलाकर ना पकोड़े से बनाए हैं, तो यहाँ पर भजिया बोलते हैं। और साथ में जलेबी को लोग दही के साथ भी खाते हैं, जलेबी अलग से भी खाते हैं। और आपका वैसे जो मेन टाइम होता है ये सुबह 8 से 10 होता है। भाई साहब, भजिया तो बड़ी शानदार बनाई है। आप लोगों की नेक नजरी है, बना दो सब लोग हैं, अच्छी लगती है आप लोगों को, अच्छी बात है। कितना समय हो गया आपको? 45 साल हो गया। 45 साल ये भजिया और जलेबी बनाते बनाते समोसा अच्छा। और आप समोसा एक बार टेस्ट करें, शाम को 4-4:30 बजे बनाते हैं। बढ़िया, 4-4:30 के बाद अगर हमारा 5 बजे, मान लीजिए 5 बजे के बाद हम लोग के चक्कर लग गया तो समोसा भी खा लेंगे। हाँ, फिलहाल भजिया मेरे को पसंद आ रही है। जैसे घर के अंदर भजिया तैयार होती है ना, उस प्रकार का स्वाद आ रहा है। जलेबी का स्वाद अच्छा है। एक चीज और बताइए, यहाँ पर क्या जलेबी और दही एक साथ खाया जाता है? हाँ, एक साथ भी खाते हैं, अलग अलग भी खाते हैं, दूध जलेबी भी खाते हैं। दूध जलेबी तो खाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा दही जलेबी और भजिया जलेबी खाते हैं। बहुत बढ़िया, सही है। वैसे एक छोटा सा सजेशन है, अब आपकी इतनी प्रसिद्ध दुकान है तो जैसे न्यूज़पेपर आप यूज़ कर रहे हो ना, उसको आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि अभी कैसे उसमें इंक होती है, आपने सुना होगा ना कहीं पे, तो न्यूज़पेपर की जगह प्लेन कागज ले लीजिए, मतलब इंक शरीर में अंदर नहीं जानी चाहिए। तो ये आप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल करेंगे। जाने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा दही भी खा लूँ। आप दे दीजिए ना थोड़ा सा, एक डोने में दही दे दीजिए। दही जैसे अपने घर में हम लोग जमाएं तो जैसा स्वाद आएगा ना, एग्जैक्टली ऐसा ही स्वाद आ रहा है, अति उत्तम। हम कीरत सागर पहुंच चुके हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस जितेंद्र चौरसिया जी से करवा रहा हूँ। नमस्कार, और आपका नाम है? शरद अनुरागी।
शरद अनुरागी, ग्रेट। आज सुबह ना किसी के रेफरेंस से हमारी इनसे बात हुई। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आला उदल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने को। वो सब सुनने से पहले आप मुझे इस लेक के बारे में बताइए, पूरा साल पानी यहाँ पे रहता है? जी बिल्कुल, इसमें पूरा साल पानी रहता है और ये चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के द्वारा बनवाया हुआ तालाब है। बरसात में इसमें पानी बढ़ जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ कुछ बोट्स भी खड़ी हुई हैं? तो बिल्कुल, मैंने पूछा था कीर्ति वर्मन वाटर स्पोर्ट क्लब है और इसमें बहुत नॉर्मल से चार्जेस लेकर लोगों को इसमें बोटिंग कराई जाती है। लगभग 30 रुपये में 20 से 25 मिनट यहाँ पे लोगों को बोटिंग कराई जाती है। बहुत बढ़िया, सही है। वैसे ना महोबा या इस एरिया में जहाँ हम सफ़र कर रहे हैं, एज अगर आप टूरिस्ट आ रहे हो तो सबसे बढ़िया टाइम है सितंबर से लेके मार्च तक का, क्योंकि अप्रैल ऑनवर्ड्स ना मौसम गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो आला उदल के बारे में आप कुछ ऐसी पंक्तियाँ सुना सकते हैं किसी कवि द्वारा लिखी गई? जी ठीक है, मैं आपको कविवर जगनिक के द्वारा लिखा हुआ एक छंद सुनाता हूँ कि कैन धसान पौज बेतवा पीते हैं चंबल का जल, आठ पहर पहरे पे ठाणो सहज पेरुआ विंध्याचल, अब लो ठाणो शीर झुकाएं कुंभज की अगवानी में, बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की वानी में, पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में, पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो अभी काम करते हैं थोड़ा सा और, मैं इनसे छंद सुनना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है सुनकर। तो अब क्योंकि वीडियो की लेंथ आप जानते हैं कि ज़्यादा हो जाती है तो फिर थोड़ा नॉन स्टार्टर हो जाता है, तो हमारा दूसरा जो चैनल है हरीश बाली ट्रैवल्स, रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम उसमें शूट कर लेंगे, ये बेहतर रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं मदन सागर। मदन सागर कितना दूर है? मदन सागर यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पर नज़दीक है। जी बिल्कुल, पास में ही है। सही है, ग्रेट। तो अब आपको हम कुछ देर में ज्वाइन करेंगे मदन सागर पहुँच कर। और मीनवाइल अगर आपने हरीश बाली ट्रैवल्स वाला चैनल नहीं देखा तो वो तो देख ही लेना, साथ साथ उसमें इस पोर्शन का सेकंड हाफ भी आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है जी, थैंक यू, आइए। आला उदल खां जग जानत नामी सूर महोबा क्या, तिनको साखो कब जग निकने कई के छाप करो तैयार। मदन सागर में हमारी मुलाकात अनु जी से हुई है। आपका YouTube चैनल है महोबा न्यूज़ करके, जिसमें मैंने देखा है कि आपने न्यूज़ भी कवर करते हो और साथ में मॉन्यूमेंट भी विजिट करते हो और उसके बारे में लोगों को जानकारी देते हो। इनफैक्ट आने से पहले मैंने आप लोग के 2-3 वीडियो देखे थे, तो वहीं से मुझे हिंट मिली कि कौन कौन से फोर्ट्स हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो अभी हम मदन सागर में हैं, तो वहाँ तक एक बार आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए आइए। वैसे अनुज भाई, ये फ्लोटिंग ब्रिज पे चल के अच्छा लग रहा है ना? हाँ, चूँकि असल में ये खगरा मठ तक पहुँचने का कोई मार्ग नहीं था, बारिश में जब अभी पानी बरसेगा तो और ऊपर पहुँच जाएगा, तो हुआ क्या इसको फ्लोटिंग ब्रिज डाल दिया ताकि लोग पास में जाके अंदर जाके घूम सकें। तो जब ये नहीं था तो लोग ऐसे बोट पे जाते थे? हाँ बिल्कुल, नाव, चूँकि लोकल जो नाव चलती बोटिंग होती थी, अभी हाल फिलहाल बंद है, यहाँ बोट चलती थी, बोट से लोग घूमने जाते थे वहाँ पर। अच्छा, जब ये शुरुआत बना था तो यहाँ कम से कम पब्लिक आती थी रोज़ 10,000 पब्लिक। क्या बात, मतलब कंडीशन ये हो गई थी कि DM साहब को ये बंद कराना पड़ा, इतनी पब्लिक, चूँकि अचीवमेंट था यहाँ के लोगों के लिए कि एक फ्लोटिंग ब्रिज भी महोबा में बन गया। हमें कितना अच्छा लग रहा है देखो, जल्दी एक कांच का स्काई ब्रिज भी बन जाएगा और रूप भी बन जाएगा। अच्छा, आजकल ग्लास ब्रिज का भी चलन जगह जगह हो रहा है। हाँ, हाँ, क्योंकि ग्लास ब्रिज भी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाती है। नहीं बिल्कुल, बुंदेलखंड को योगी सरकार लगातार सारे जो किले के निर्माण है उसको जो है दे रहे PPP मॉडल पर करा रहे हैं, उससे क्या हो गया कि पर्यटक जब आएगा तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे। एक चीज़ बताओ, बुंदेलखंड में ना गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, ये तो हम देख ही रहे हैं, और तो यहाँ पे किसान को पानी कैसे मिलता है? देखिए, पानी की क्राइसिस बुंदेलखंड में बहुत है, मतलब ये इतनी क्राइसिस है कि पानी के कि यहाँ इतनी क्राइसिस है कि ट्रेन तक आई है, वाटर ट्रेन तक UPA सरकार में भेजी गई है। जबकि अब ये सोचिए कि ये तालाब जो है 1,000 साल पहले यहाँ के राजाओं ने बनाया था, और क्या सोच के बनाया था सोचिए कि मतलब कितनी दिक्कत होगी आने वाले समय में, ये सोच के उन्होंने ये निर्माण कराया था पूरा। और ख़ास बात ये, जितनी भी 5-6 झीलें बनी हुई हैं ये सब जो है एक दूसरे से जो है ना इंटरकनेक्टेड है, सब जुड़ी हुई हैं,
ताकि अगर एक में पानी आएगा तो एक से ओवरफ्लो होगा तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में ओवरफ्लो होगा तीसरे में जाएगा, इस तरह। अभी नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, अभी लगभग एक साल पहले आए थे, तो उसमें अर्जुन सहायक परियोजना है, बांध से मध्य प्रदेश से पानी लेके आ रहे हैं और जो छोटे बांध हैं उनको भरने का काम जो कर रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में जो सरकार के प्रोजेक्ट है और भी चल रहे हैं पानी को बिल्कुल। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अच्छा, अब ना हम वहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता नहीं है। तो अभी जैसा अनुज भाई ने बताया कि ये प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह से हैंडओवर नहीं हुआ, 2-3 महीने लगेंगे तो तब ये रास्ता प्रॉपर बन जाएगा। थोड़ा सा और बताओ आप, अगर आप जानकारी रखते हो इसके बारे में। देखिए, पुराने समय में लोग बताते हैं कि जो आला उदल थे वो यहाँ बैठ के पूरी अपनी टीम जो होती थी एक रणनीति तैयार की जाती थी, एक सुकून की जगह थी, चूँकि पानी को बीचों बीच थे, वो ऐसी जगह जहाँ दिमाग को एकदम रिलैक्स करके और तैयारियाँ करते थे कि हमें युद्ध में लड़ना है और कैसे जाना है, उनकी रणनीति क्या होगी, उसके लिए इस्तेमाल किया करते थे, यहाँ इस्तेमाल करते थे। और बाहर में पड़ रहा था ये पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है। बिल्कुल ग्रेनाइट से, वो 1100 ईस्वी में ये बना हुआ है। और आपने देखा होगा चंदेल शासक रहे हैं, उनके द्वारा ये ग्रेनाइट की जितनी भी शिलाएं इस तरह से इस्तेमाल हुआ है और ये बनाया गया है बेहद खूबसूरती के साथ में। अंदर क्या है, मूर्तियां हैं? नहीं, अंदर कुछ नहीं है, केवल बैठक हुआ करती थी। बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होकर, और ओवरऑल गुड है। चलो थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। हाँ चलिए। मदन सागर के किनारे ही अभी हम बैठे हुए हैं। अनुज भाई लंच पे हमारे साथ नहीं चल रहे, कुछ काम है इनको। हमें ना वर्मा जी के वहाँ है, लोकेशन तो है हमारे पास जी। तो कितना, 7-8 किलोमीटर होगा? हाँ, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर सूरज चौकी पड़ता है, तो वहीं उनका फार्म हाउस है। अच्छा, जहाँ वो ऑर्गेनिक खेती और लोकल फूड को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं वो। अच्छा है उनका। अच्छा, लोकल फूड बनाते और किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वहाँ पर जाके लंच करते हैं। जैसे हमारा रेफरेंस आज हमें मिला, रेफरेंस तो हमने सुबह बात करी थी, सही है। तो अनुज जी थैंक यू सो मच। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बुंदेलखंड आए हमें लीजिए, ये गौरव की बात है कि आप हमारे महोबा को दिखाएंगे और लोग यहाँ घूमने भी आएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। लंच करने के लिए हम वर्मा जी के फार्म हाउस तक पहुंच चुके हैं। सर वेलकम, स्वागत है सर। नमस्कार। हमारे को ना आपका रेफरेंस आज सुबह ही मिला कि अगर आप महोबा के नज़दीक में ही बुंदेलखंड का भोजन करना चाहते हो तो आपसे संपर्क बिठाएं, और हमने संपर्क किया और आपने कहा कि दोपहर तक कर देंगे मैनेज। तो आप एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, थोड़ा विस्तारपूर्वक बता सकते हैं? सर हमारे एक FPO किसान संगठन है, जो हमारे 550 किसान हैं, और उसमें सर हमने एक जैविक पे ही और सर ये बुंदेली माटी के नाम से हमने प्रोसेसिंग इकाई लगाई हुई है, जो हम उसका वितरण करते हैं। और सर हमारा जैविक ही जितना उत्पाद होता है उसका हम यहाँ पर एक मतलब मिलेट्स का जो खाना है यहाँ पर हम उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे आज हमने आपसे संपर्क बनाया और लंच पे आ गए, अभी जाएंगे, तो ऐसे कोई भी टूरिस्ट अगर आपको कुछ घंटे पहले कॉल करे तो आप कर देते हैं? सर बिल्कुल, हमारे पास इंतजाम है, क्योंकि जो देसी खाना होता है सर उसमें टाइम लगता है। हाँ, इसलिए हम चाह रहे हैं सर कि हमें अगर आपको भोजन चाहिए तो 2-2.5 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन। वो तो हम समझते हैं इस बात को। आइए सर, वेलकम। लंच रेडी हो चुका है, मैं एक बार सब कुछ बताता हूँ, अगर कुछ मिस्टेक होगी तो आप बता दीजिएगा। ये है जी चने की भाजी, बेसिकली चने के पत्तों से भाजी तैयार हुई है। तो वर्मा जी ने क्या किया कि हमें दिखाने के लिए ना कि वो पत्ते कैसे दिखते हैं, पूरी प्लेट ही मंगा ली है। तो ये वो पत्ते हैं, तो जो काले चने बोलते हैं ना हम, जो बेसिकली ब्राउन कलर के होते हैं, उस चने की ऊपर से ऊपर का पोर्शन निकालिए, सॉफ्ट होता है, इसकी भाजी तैयार की है। और ये वैसे वो चने का पौधे का एक हिस्सा है, ये नॉर्मल अपनी अरहर की दाल है जी। तो महुए की डुबरी तो बहुत नई चीज़ है। अब ये महुआ कैसा दिखता है आपको दिखाने के लिए ना मैंने ये इनसे मंगवा लिया है। कल जब हम आ रहे थे ना तो इसका हमने पेड़ भी देखा था, तो सूख जाता है तो उसका कलर ऐसा हो जाता है, वैसे इससे लिकर बनती है। ये सर निमोना बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड में। तो ये किससे बना है? ये सर चने का है, वो फल होता है जो चना है ना सर वो। अच्छा, तो इसको पीस के आपने जी इसको तैयार किया? सिलबट्टे से पीस। ये चटनी आपने बताया कैंथे की है सर जी। अच्छा, ये कैंथा है, एक चीज है, ये जो कैंथा है ये तो हार्ड बॉल से भी ज्यादा हार्ड है। हाँ जी सर, ये बहुत मजबूत होता है, आसानी से टूटने जैसा था मुश्किल जी है। नहीं टूटता, ये सिलबट्टे से तोड़ा जाता है, आसानी से नहीं टूट। अंदर का गूदा निकाल के इसका चटनी बनाते हैं जी सर। बहुत बहुत हार्ड है।
पिछली बार मैं जब बुंदेलखंड में सफ़र कर रहा था ना झांसी जाते समय, और हम पन्ना भी गए थे, वहाँ हमें मालूम चला था कि बुंदेलखंड के खाने में ना बैंगन का जो सब्ज़ी होती है बड़ी मेन आइटम होती है जी। तो इन्होंने बैंगन आलू की सब्ज़ी तैयार करी है, और ये है समा के चावल जी। इसकी खीर है ना? हाँ जी, ये इसकी खीर बनाई है। सही है। काला गेहूँ है जी, इसकी ये रोटी तैयार करी जी। लवली, सही है, इंटरेस्टिंग। कितना देसी स्वाद है सर, सबसे पहले खाते ही फीलिंग आ रही है जी। तेल का कम से कम इस्तेमाल? बिल्कुल नहीं सर, नथिंग। हाँ, कम से कम या नथिंग? हाँ जी, जैसा आप बता रहे हो इसमें नथिंग है सर, बिल्कुल होता ही नहीं। जैसे हम फ्राई कर करके अपने घरों में चीज़ों को बहुत पका देते हैं ना, इसके अंदर अभी भी कच्चापन है जी सर, ये कच्चा ही बनता है। हाँ, इसको ज़्यादा पकाते नहीं सर। हाँ, बेहतरीन। और ये साथ में क्या है जो दिख रहा है? ये दाल है, थोड़ी हमने मूंग की दाल डाल रखी है। अच्छा, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। ओके जी। इसमें पता है कैसा है, कोई लहसुन अदरक जैसा स्वाद नहीं है, जैसे हम आमतौर पर लहसुन अदरक डाल के उसके टेस्ट डोमिनेट कर देते हैं ना जी जी, इसमें कुछ नहीं डालते सर। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए डिफाइन कर पाना कि इसका स्वाद कैसा है, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकता हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे मटर की कोई सब्ज़ी बनी हो, हरे मटर की सब्ज़ी, तो कुछ कुछ वैसा स्वाद है। नमक कम से कम और बाकी मसाले ज़ीरो। तो आपके यहाँ जो टूरिस्ट लोग आते हैं आप ऐसे ही खिलाते हैं सबको? जी जी सर। अच्छा सर, इससे जैसे महसूस हो कि हम गाँव में बैठ के खाना खा रहे हैं। जैसे ये है, ये क्या आलू है क्या? हाँ, थोड़ा सा आलू डाल दिया होगा टेस्ट के लिए। एक चीज बताइए वर्मा जी सर, ये सब्जी है जी, जब इसको चूल्हे में बनाते हो तो ऐसा लग रहा है कम पकाते हो, जैसे नॉर्मली लोग बहुत लंबा पकाते हैं, तो जी जी, ये लग रहा है कि थोड़ा सा देखा कि खाने लायक हो गया, निकाल लिया उसको। सर एक्चुअली क्या है कि हम ज़्यादा पकाने से जो है, एक तो सब्जी जो ये सर इसमें ताकतवर चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हीटिंग से सर वो ख़त्म हो जाती है। बहुत बढ़िया बात बोली है। इसलिए सर इसको हम एक अधपका कहते हैं, कच्चा भी ना हो जो हमारे पेट में पाचक भी हो और इसका टेस्ट ना जाए सर। क्या बात है, मैं आ गया। ये कैंथा वाला है ना? जी। खट्टा खट्टा जो स्वाद है कैंथा में, कैंथा की चटनी में जी, ये कुछ डालने की वजह से कैंथा का स्वाद ही नहीं सर, कैंथा का ऑटोमेटिक प्राकृतिक टेस्ट है, खट्टा हल्की खटास रहती जी सर। हमारे घरों में ना, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, बैंगन का भरता हम लोग बहुत आम खाते हैं, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बार तो पक्का रहता है, लेकिन इस तरह का बैंगन का भरता मैंने पास्ट में सिर्फ 2 या 3 बार ही खाया, इससे ज़्यादा नहीं खाया जी। पूरा फ्लेवर ही फ्लेवर है। ये जो महुआ है इसमें आपने कुछ चीनी वगैरह भी मिलाई है? नहीं सर, ये प्राकृतिक मिठास है इसकी। देखिए हल्की हल्की सुगंध भी आपको लग रही होगी, बहुत मीठी मीठी। महुआ के टेस्ट को ना आपको अडेप्ट करना पड़ेगा 2-3 बार खा के, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान पहली बार खाए पहली बारी में समझ आ जाए जी, जी। 2-3 बार खा के इसके टेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा। चीज़ बड़ी शानदार है। तो ये चीज़ें जो आप हमें खिला रहे हैं, ये तो चलो आज हमने आपके पास आना था तो आपने हमारे लिए बनाया सर, आप अपने रोज के जीवन में हफ्ते में कितनी बार होगा इस प्रकार का भोजन करते हैं? हम सर तकरीबन यही भोजन करते हैं। अच्छा, मतलब कितनी बार का इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए बनाया, ये आपका खुद की डाइट यही है? बिल्कुल तकरीबन। अच्छा, गजब। मैं एक्चुअली दाल सोच रहा था नॉर्मल दाल होगी जैसे हम लोग घरों में बनाते हैं, लेकिन ये दाल नॉर्मल है लेकिन टेस्ट नॉर्मल नहीं है। हमारी जो बुंदेलखंड की दाल होगी उसमें सर सबसे बड़ी बात, इसमें कोई खाद नहीं होगा, कोई पेस्टिसाइड दवाई नहीं डली होगी, इसलिए आप खाने से बिल्कुल आप दाल देखिए मुँह में घुल गई होगी आप। मज़ा आ गया दाल का ना, एक एक दाल का दाना महसूस हो रहा है, हम स्वाद ले रहे हैं उसका, और सिंप्लिसिटी पीक पे है। सिर्फ दाल की बात नहीं कर रहा, हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। वैसे ना आप में से अगर कोई बुंदेलखंड से हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी जानकारी में कोई है जहाँ पर इस प्रकार से भोजन मिलता है, तो आप कमेंट के थ्रू हमसे शेयर करिए, बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना सब्सक्राइबर्स या कोई भी, बहुत बार क्या होता है ट्रैवलर्स जब सफ़र कर रहे होते हैं ना
तो ऐसे इनपुट से वो वहां जा सकते हैं। अति सुंदर समा के चावल की खीर भी टेस्ट कर लेते हैं और फिर आराम से इंजॉय करके पूरा मील फिनिश करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे ना फास्टिंग के दौरान लोग इस प्रकार की व्रत के समय समा के चावल की खीर खाते हैं, और उसमें आप लोग मखाने इस्तेमाल किया जी। लवली, बहुत अच्छी बढ़िया। मुझे लगता है आज इससे ज़्यादा लंच में मैं कुछ भी डिमांड नहीं कर सकता था। बहुत अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए। अब हमारा आगे का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि हम सालट करके यहाँ से 10 किलोमीटर पे एक गाँव है, वहाँ पर हम एक फोर्ट विज़िट करने जा रहे हैं। अब आपसे मुलाकात हम वहाँ फोर्ट पहुँच कर करेंगे। बाकी वर्मा जी धन्यवाद, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का। बहुत अच्छा हो गया हम लोग आए, और बहुत ही बेहतरीन आपने हमारे लिए लंच तैयार किया। दिल खुश हो गया। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया। सालट गांव हमने पार कर लिया है। मेरे को 200-300 मीटर आगे जाने पे ना एक तालाब दिखाई दिया, तो हम लोग गाड़ी रोका है 5 मिनट, थोड़ा तालाब का क्लोजअप व्यू ले लें। सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखो बुंदेलखंड में जब जब मैं तालाब देख रहा हूँ तो मेरे को एक ऐसा फीलिंग आ रही है कि इतने हाई टेम्परेचर एरिया के अंदर भी तालाब है जिसमें पानी इतना इकट्ठा है। ग्रेट, तो हम अब यहां से चलते हैं सालट किले की ओर। हमको 1 किलोमीटर आगे और जाना है। गूगल मैप्स में ना सही से लोकेशन आ नहीं रही है, तो हमने 2-3 लोगों से रास्ते में पूछा और पूछते पूछते यहाँ तक आ गए हैं। अब पूछते पूछते किले तक चले जाएंगे। हम आला उदल फोर्ट तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हेमंत भाई हैं। जी सर। नमस्कार हेमंत भाई। जी। आपका गांव सालट ही है? जी सर, सालट गांव है। अब क्या है पॉपुलैरिटी में इसको लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि आला उदल का किला है, तो आज की तारीख में ये ऐसा करके पॉपुलर हो गया। अब 1000 साल बहुत पुरानी बात है। और हेमंत भाई अंदर जाने का वो रास्ता है? जी सर, आगे सर। वैसे एक बात है, किले का जो प्रवेश द्वार है जी। सही लग रहा है। जैसा हमें कुछ लोगों ने बताया, ये किला आला उदल का था। आला उदल और उनके 3 भाई यहाँ पे रहा करते थे। दोनों तरफ ये घोड़ों का अस्तबल है ये पूरी जगह। आइए अब एक काम करते हैं, सामने ना ऊपर जाने का रास्ता तो है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है जाना, पर फिर भी ट्राई करेंगे। जा सकते हैं ऊपर? जी सर, यहाँ तो ऊपर ज़्यादा दिक्कत में है, लेकिन अगर ऊपर जाना चाहें तो वहाँ से है। अच्छा, थोड़ा सा साइड साइड से जाकर देख सकते हैं क्या? जी जी, चलो चलो। नहीं बट कोई खतरा तो नहीं है? नहीं खतरा कुछ नहीं। खतरा कुछ नहीं है, हम चल रहे हैं। हाँ, आप चलोगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ी सी झाड़ियाँ थी, लेकिन हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए। और इस किले के ठीक सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, तो अगर हम थोड़ा दूर चार देखें तो ये पूरा किला और ये तालाब चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। ये विंध्याचल रेंज का एक हिस्सा है, और जनरली जैसे हम जानते हैं कि विंध्याचल रेंज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच की एक हिल रेंज है, और उसी हिल रेंज के एक हिस्से में अभी हम सफ़र कर रहे हैं और खड़े हुए हैं। थोड़ा इधर से देखते हैं, थोड़ा निकलते हैं आराम से। एक तरह से अच्छा हो गया हम इस फोर्ट को विजिट करने आए। जैसे मैंने आपको बताया ना, इस एरिया का आखिरी गांव सालट है। सालट के आगे ये जंगल एरिया है, और जंगल के अंदर आकर आप कोई फोर्ट विजिट करो तो अच्छा लगता ही है।
तो हो सकता है साल दो तीन साल के बाद आप कभी यहाँ पर आएँ तो आपको उस समय कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ने को मिले, क्योंकि आज की डेट में यहाँ कोई रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मानकर समझ सकते हैं कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस फोर्ट के बारे में है। चलो जी, बाकी बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, 15-20 मिनट लगा के ना एरियल व्यू अलग अलग पॉइंट पे खड़े होकर देख लेते हैं कैसा लग रहा है, और फिर हम यहाँ से चलेंगे। मतलब एक बड़ा रूम जो है ये बैठक जैसा लग रहा है जी। यहाँ पर जो शासक लोग थे सर, वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए, शिकार के लिए जब भी आते थे तो यहाँ पर बैठकर अपना जो भी है एंजॉयमेंट करते थे, नहाते धोते भी नीचे जाकर थे, और बगल में यहाँ पर दो रूम भी रसोई के पात्रता के देखे गए हैं, जहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खाना पीने का भी बंदोबस्त रहता था, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा, नज़ारा अच्छा है जी, ब्यूटीफुल। चलो बढ़िया, अब हम चलते हैं यहाँ से महोबा। अंदाज में हमें 45 मिनट लगेंगे महोबा पहुँचने में। इस समय हम सूर्य मंदिर परिसर में, मेरे साथ मिस्टर मनोज कुमार चौहान हैं, आप महोबा के डीएम हैं। तो हमारी जैसे कुछ देर पहले आपसे मुलाकात हुई तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था लाइट एंड साउंड शो आपके ही एफर्ट्स का नतीजा है कि यहाँ लाइट एंड साउंड शो है। 1 साल 8 महीना पहले आते तो इस प्रकार की यहाँ पर अपकीप नहीं मिलता जो आज देखने को मिल रहा है। तो एवरीबडी वाज सेइंग कि यू आर द मैन बिहाइंड। तो आप थोड़ा सा सूर्य मंदिर के बारे में भी बता दीजिए और आगे चलकर महोबा में किस प्रकार की डेवलपमेंट होने का प्लान है मे बी अगले 1 से 1.25 साल में। जो रहलिया सूर्य मंदिर महोबा का है, ये भारत में दूसरे नंबर का है, 890 से 915 के बीच में यहाँ के जो राजा थे राहिल देव बर्मन जी, उनके द्वारा ये बनाया गया था। और इसके बारे में जो एसआई के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1203 में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था, लेकिन जो जब मैं आया तो यहाँ फुटफॉल जो था 2-3 व्यक्तियों का था, और उसके बाद देखा गया कि जो भगवान सूर्य का पूरा सिस्टम है वो सर्वे भवन्तु सुखिना का है, सभी को वो एनर्जी देते हैं, तो क्यों ना इसको जो है एक अगले स्तर ले जाया जाए। एएसआई ने भी इसमें वो किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल रूप से आदेशित किया कि इस महोबा में टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। उसमें हमने इसको लिया और 3.25 किलोमीटर का लगभग यहाँ की रोड थी जिस पर हमको लाइटनिंग की व्यवस्था की गई, फिर यहाँ पर पूरी लाइटनिंग की गई और जो यहाँ पर लेजर शो को शुरू किया गया। आज के टाइम में इसका लगभग 300-350 का फुटफॉल यहाँ का चलता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आगे एक जो गुरु गोरखनाथ जी की तपोस्थली है उसमें लगभग 850 मीटर की लाइटनिंग की व्यवस्था की गई और आज उस पर लाइट एंड साउंड का शो होता है। अच्छा, वहाँ पर भी लाइट एंड साउंड शो होता जी है। तो वो सारी व्यवस्थाएँ जो हैं, दोनों व्यवस्थाएँ ये की गई जिससे कि रात्रि में टूरिस्ट यहाँ का आनंद ले सके। अभी यहाँ पर हमने सोलर जो ट्री हैं जो आपको 3 नज़र आ रहे हैं, 5 की हम व्यवस्था किए हैं और सभी जनरेटर की यहाँ व्यवस्था की है, और पूरा जो सिस्टम है जो 54 हेक्टेयर की सामने झील है इसको हम आगे डेवलप करने जा रहे हैं जिससे कि यहाँ बोटिंग की, मोनोट्रोन की और 26 मीटर के आसपास चारों तरफ इसकी रोड बना सकें जिसको हम सोलर लाइट दे सकें। तो ये एक स्थल होगा। और दूसरा जो हमारा गोरखनाथ जी की तपोस्थली है वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेशित किया है जिस पर काम चल रहा है और BGF फंड में हम उसको देख रहे हैं कि कैसे उसको लिया जाए। वहाँ पर रोप वे बनने जा रहा है, ग्लास ब्रिज जैसा है, बुर्ज खलीफा में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है जब हम पैर रखते हैं तो कान चटकने लगता है, उठाते हैं तो वो जुड़ जाता है, तो उस तरह से ग्लास ब्रिज की यहाँ पर तैयारी है। और भविष्य में हम बहुत जल्दी इसको पास कर चुके हैं कि तारा मंडल भी यहाँ बनाया जाए। अच्छा, फैंटास्टिक। तो आपकी बातों से मतलब मैं इतना जज कर सकता हूँ कि आने वाले 1.5 से 2 साल में काफ़ी कुछ नया हो जाएगा जो काइंड ऑफ टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन बन जाएंगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। और आज का वैसे हमारा एपिसोड भी यहीं पे एंड हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।
अब कल की हमारी जर्नी फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हम लोग महोबा में रहेंगे और उसके बाद हम कालपी जाने वाले और कल का नाइट स्टे हम ओरई में करेंगे, राइट? आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम और थैंक यू, नमस्कार आपको एक बार दोबारा से, धन्यवाद, थैंक यू।